अपने दो दिवसीय दौरे पर रविवार को गोरखपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह हिंदू सेवा आश्रम में पहुंच करीब 150 लोगों की बातों को सुना। महिलाओं की संख्या हमेशा की तरह अधिक रही, जबकि यात्री निवास में करीब 250 फरियादी मौजूद रहे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों के प्रार्थना पत्र यहां अधिकारियों ने लिए, शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सोमवार को भी पुलिस से जुड़ी शिकायतों के साथ ही भूमि विवाद से जुड़े मामले अधिक रहे। इस दौरान जहां बकरी मारने का मामला सीएम तक पहुंचा, तो वहीं नौकरी के लिए भी गुहार लगाई गई। बलिया के रहने वाले दिव्यांग अभयराज भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। सीएम को प्रार्थना पत्र देते ही अभयराज के आंखों से आंसू छलक गए। मुख्यमंत्री ने पूछा कि समस्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं बेहद गरीब हूं, दोनों पैरों से दिव्यांग हूं और बेरोजगार हूं। परिवार में कोई अन्य आय का साधन भी नहीं है। मैंने इंटरमीडिएट और ITI ड्राफ्टमैन सिविल से किया है। मुझे नौकरी की बेहद ज़रूरत है, कृपया मेरे लिए कोई नौकरी की व्यवस्था की जाए। इस पर सीएम ने कहा कि जो भी भर्तियां निकल रही हैं उनमें दिव्यांग कोटा होता है, सभी भर्तियों में दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाती है। आप फार्म भरिए, नौकरी ज़रूर मिलेगी। पीपीगंज इलाके के रहने वाली विमला देवी की शिकायत सुन मुख्यमंत्री मुस्कुराए भी और पुलिस पर नाराजगी भी जाहिर की। विमला देवी की शिकायत थी कि उनके पड़ोसी राकेश और देवीलाल के बीच भूमि विवाद चल रहा है, जिसमें देवीलाल और उनकी बेटियों ने मिलकर उनकी बकरी को मार दी और घर का छज्जा भी तोड़ दिया। पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम से गुजारिश किया कि इस मामले की किसी बड़े अफसर से जांच कराकर कार्रवाई की जाए। सीएम ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया, साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इसी तरह आशीष सिंह ने पुलिस में सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत की। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र देकर कहा कि जिनके नंबर कम थे वे मेरिट में आ गए और जिनके ज्यादा थे वे बाहर हो गए। उन्होंने सीएम से पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की। सीएम ने पत्र लेकर न्याय का भरोसा दिलाते हुए कार्रवाई की बात कही। गीडा इलाके के भवापार की रहने वाली रेशमा देवी ने सीएम को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई कि कुछ भूमाफिया पुलिस की मदद से सरकारी पट्टे की जमीन को कब्जा कर रहे हैं, साथ ही उनकी जमीन को भी कब्जा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों से मामले की जाँच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। धर्मशाला बाजार के पूर्व पार्षद ने पीएम आवास में बगैर निर्माण कराए 1.5 करोड़ रुपए के भुगतान की शिकायत की। उनकी शिकायत पर सीएम ने कमिश्नर रवि कुमार एनजी को जांच करा कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन के दौरान डीएम कृष्णा करुणेश, एसएसपी विपिन ताड़ा, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह सबसे पहले शिवताली गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया, साथ ही अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेक उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंचे, जहां तकरीबन 30 मिनट तक गौ सेवा की। गौ सेवकों से संवाद कर गर्मियों में गायों की देखभाल की जानकारी ली, जरूरी सलाह भी दी। उसके बाद वापसी में अपने स्वान कालू और गुल्लू से भी मिले। उसके बाद सीएम जनता दर्शन के लिए हिंदू सेवा आश्रम पहुंचे। Come on, come on.